आपके लिए एक प्यारा सा व्यू। आई एम गोइंग इन टू द पूल। लाइन से जा रहे हैं प्यार से। सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं इंद्र घाट, चंद्र घाट, महादेव घाट। मालपुआ यार बहुत ही टेस्टी है। टाइम टू बाय समथिंग होम। जगत पिता श्री ब्रह्म मंदिर पुष्कर सुरसा। मैगी खाई मंदिर से। अब आपके लिए एक प्यारा सा व्यू लेके आया हूँ मैं। वाओ 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 वाओ, दिस इज सो ग्रेट। जे जी एंड सर के चल रहे हैं यहाँ पे डिस्कशन ऑन व्यू। गुलाब के फूल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। हंसी वादिया खुला आसमान, मजा आया। तो मित्रों आज तो देख लो स्विमिंग पूल भी है साथ में, और अब होने वाला है वो जो आज तक कभी नहीं हुआ। आई एम गोइंग इन टू द पूल। मैं नहीं मानता, पूल में जाके मैं ट्राई करूंगा स्विम करने। तो करना, लेकिन मैं बात ही नहीं है स्विमिंग करने। ताले को बम से उड़ा दूंगा। तो यार सर ने और जीजी ने तो कर दिए स्विमिंग स्टार्ट, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे। स्विमिंग करते करते पहुंच गए दूसरे एंड में। रेस तो नहीं लगाई लेकिन ऐसे ही पहुंच गए। प्यारा ये लग रहा है कि यार इतनी लाइन से जा रहे हैं ना प्यार से, सारी सारी एक तरीके से ना तैरते हुए पानी, जैसे पानी के फ्लो के साथ निकल रहे हैं। मज़ा आ रहा है सही में इनको देख के। तो गाइस ये पुष्कर लेक, पुष्कर झील बहुत प्यारी है, मस्त है। एंड सामने ही वो आपको जो दिखाया, अभी हम सुबह आए हैं माँ सावित्री देवी का जो मंदिर है वो ये रहा। तो अब देखते हैं पुष्कर लेक पे जा कर के क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सफर में मजा अभी तक तो आया होगा एंड आगे भी बहुत मजा आएगा। मेरे साथ बने रहिए, मजे तो यार लेने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो मित्रों पुष्कर के इस पवित्र लेक पे हम आज भी पहुँच गए हैं एंड आज जा रहा हूँ मैं भी वहाँ पे। ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे जाऊँगा नमन करने पुष्कर के इस पवित्र झील को। सृष्टि की रचयिता है ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करके ब्रह्मदेव ने यज्ञ करने का निश्चय किया। ये हमारी संस्कृति है, कोई नया कार्य हम करते तो हवन पूजन यज्ञ, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो ब्रह्मदेव को यज्ञ करना था, यज्ञ करने ब्रह्मा जी कहाँ जाएं, इसके लिए ब्रह्म लोक से अपने हाथ से कमल का फूल गिराते हैं। ये विचार करके कि ये फूल भूमि पे जहां गिरेगा वहां जाकर मैं यज्ञ करूंगा। तो कमल का वो फूल ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा लगाता है, भूमि के इस मरुस्थल में मरुभाग में आके गिरता है जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। तो मरुभाग में जब वो पुष्प गिरता है तो चमत्कार ये होता है कि पृथ्वी लोक में सात पाताल बताए जाते हैं। सातों पाताल छेद के पानी बाहर आता है और सरोवर बनता है। अब सरोवर भगवान इसे नाम देते हैं पुष्कर, क्योंकि रेगिस्तान में जल सबसे दुर्लभ है। तो सरोवर का बन जाना भगवान इसे चमत्कार के रूप में देखते हैं और निश्चय करते हैं कि वो जल की पूजा करेंगे। तो जल को नाम दिया जाता है पुष्कर, क्योंकि संस्कृत में पुष्प कहते हैं फूल को, हाथ को बोला जाता है कर। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से फूल गिराया, तो फूल और हाथ पुष्प और कर दोनों को संधि की तो बना पुष्कर। तो मित्रों इस पवित्र सरोवर को जोड़ा गया हमारे ब्रह्मदेव जी से। माना जाता है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा के समय में यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं एंड पूजा करते हैं एंड पवित्र जल माना जाता है। यहाँ पे आके अपने पाप धोते हैं और जो स्किन डिजीज होते हैं हमारे गर्म रोग ठीक होते हैं इस सरोवर में स्नान करने से। बहुत अच्छा होगा कि यार अगर हम यहाँ पे आए तो। बट लेकिन यार एक ये भी चीज़ है कि ये गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत लाइक आते हैं तो इसमें यहाँ पे थोड़ी गंदगी हो रही है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि हम गंदगी ना फैलाएं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रखें ताकि यार बना रहे सरोवर ऐसे ही और बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए उसको देखते रहे और ऐसी पवित्रता इसकी बने रहे और पूजा करते रहे अच्छे से। तो गाइस जैसे मैंने बताया था ये बावन घाट है यहाँ पे, तो ऐसे एक इंद्र घाट ये है, चंद्र घाट, महादेव घाट, 108 महादेव घाट, सही करके बावन घाट और पूरे हैं। तो स्नान रिव्यू ऑफ द इवनिंग। मालपुआ, गाइस मालपुआ यार बहुत ही टेस्टी है और दही के साथ खाते हैं सो भाई चीज नहीं आते मजे। लेट्स ट्राई द फंकी मंकी कैफे। चलो वी आर एट फंकी मंकी कैफे एंड यहां पे हमने ऑर्डर के लिए एक कॉम्बो पाइनएप्पल लेमन मिंट जूस। इस यार थोड़ा-थोड़ा गन्ने जूस की तरह हो रहा है। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया, वो कौवा बिरयानी है। टाइम टू बाय समथिंग होम। शॉपिंग करने के लिए आए थे यार, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें खरीदी नहीं है, बस एक बैग लिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200 रुपीज़ का है। एक ही लग मेरे को शॉप सही लगी, बाकी तो सारे सारी मेरे को ओवर प्राइसिंग लग रही थी। एक ही जगह मेरे को शॉप थोड़ी सी पसंद आई तो वहाँ से मैंने एक बैग ले लिया और 200 रुपीज़ ऑनली। उस बैग को मैंने इस बैग में रखा हुआ है एंड ये इस साइड वाली मार्केट में कल नहीं आए थे कि बहुत ज़्यादा दूर है मंदिर की तरफ वाली मार्केट। अब आ रहे
एंड ब्रह्म सरोवर में हम सुबह चले गए थे, हम जा रहे हैं ब्रह्मदेव के मंदिर। ये ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर, एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने भक्तों की भलाई के लिए पृथ्वी पर यज्ञ का विचार किया और यज्ञ का चुनाव करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमल को पृथ्वी पर भेजा और जिस स्थान पर कमल गिरा ब्रह्मा जी ने उसी स्थान को यज्ञ के लिए चुना और ये स्थान राजस्थान का पुष्कर शहर था जहाँ पर उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब बन गया था। इसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ पर यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँचे लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुँच पाई। यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा लेकिन सावित्री जी का कोई पता नहीं था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुँच चुके थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री जी को प्रकट किया और उनसे विवाह किया और अपना यज्ञ समय पर शुरू किया। कुछ समय बाद जब सावित्री जी यज्ञ स्थल पर पहुंची और ब्रह्मा जी के पास में किसी और स्त्री को देखा तो वो क्रोधित हो गए और सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस पूरे पृथ्वी लोक में आपकी पूजा सही नहीं होगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने सावित्री जी से आग्रह किया। अब जाकर उन्होंने अपना श्राप वापस लिया, कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी और इसीलिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। आज तक ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ इसी मंदिर में होती है। जय पिता श्री ब्रह्म मंदिर पुष्कर। चलते हैं यहाँ से अंदर, फोन रखते थे। कल से जगह हमें आ रहा था, फाइनली भी आ गया। दिखाता हूँ वो कौन सी जगह है। लेट्स गो इनसाइड। ये है मंदिर, श्री रणजी का मंदिर एंड दिस इज द एम्बियंस। शिव तांडव नृत्य का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। श्री नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप जी की छाती चीरते हुए। गाइस चेक आउट कृति मंथन। श्री भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के आंसू से चरण धो रहे हैं। सुरसा